हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए बेटा, आज हमको पढ़ना है ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 5। आपका सुधीर सर आपको पढ़ाएंगे बेटा। आज हमारा टारगेट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ये तीन टॉपिक्स को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बेटा, सबसे पहले एकदम बेसिक टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत सिंपल चीजें पढ़ते हैं जिसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये कोर्स मैंने बेटा आपके लिए डिजाइन किया है एक बेहतर स्कोर करने के लिए आपके पीजीटी एग्जाम में। तो पीजीटी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो थोड़ा सा लॉजिकली चीजों को कवर करना पड़ेगा। मैंने पूरे बायोलॉजी को जो 100 मार्क्स की आती है बेटा, उसको 38 चैप्टर में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा 5th नंबर का चैप्टर चल रहा है और कल, ठीक है, कल के दिन में बेटा हमारा लाइव स्ट्रीमिंग होगा सीजी सेट के स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। और वहां पे हमें कंप्लीट सिलेबस में डिस्कशन करेंगे और टारगेट करेंगे हमारे सीजी सेट एग्जाम जो कि 2024 में होने वाले हैं उसके लिए। ठीक है, तो चलिए बेटा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यदि आप वीडियोस को देख रहे हैं और देख के निकल जाते हैं भैया, तो सुदेश सर के ऊपर थोड़ा सा एहसान करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, हमको बहुत कुछ मिल जाएगा तुम्हारा प्यार। ठीक है भाई, चलो। तो ठीक है यार, यदि वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि सुदेश सर कंटेंट अच्छे देते हैं, तो प्लीज टाइम दे करके हमारे चैनल को, दो हमारे चैनल है बेटा, एक है लाइफ साइंस ट्यूटोरियल और सेकंड हमारा मेरा एक पर्सनल चैनल है, वो तो हमारे कोचिंग का चैनल है। मेरा एक पर्सनल चैनल है जिसका नाम है बेटा सुदेश सर बायोलॉजी। ठीक है, तो उन चैनल्स को आप प्रमोट करेंगे। तो बेटा चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला यहाँ पे टॉपिक जिसको हम, अच्छा अभी हमारा ग्राफ भी बचा हुआ है क्या? ठीक है, चलिए बेटा, कल जो हमने वॉल्यूम्स पढ़े थे उनको हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, एक ना बॉक्स ले लेते हैं रेड कलर का। ठीक है, ये बॉक्स को यहां से लेकर के यहां तक रख लेते हैं बेटा, और इसको क्या करेंगे, लगभग 6000 तक के रेंज में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब यहां पे हमने देखो कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने वॉल्यूम्स का मैक्सिमम कितना था बेटा, 58 का वॉल्यूम था। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इतना वॉल्यूम रख देना है कि पूरे जो आपके वॉल्यूम्स और कैपेसिटी दोनों यहाँ पे आसानी से आ जाए। ठीक है, तो चलो एक एक हजार में हम इसको डिवाइड कर देते हैं ताकि हमको आसानी से समझ में आए। ओके, तो चलो इसके लिए मैं ले लेता हूं बेटा लाइनिंग। मेरे ख्याल से हमको टोटल 6000 लेना है, तो ऐसा मैंने एक लिया यहाँ पे और कॉपी कर दिया बेटा। ये देखो, ये सेकेंड रेंज हो गया, 2 बोल दिए, ये तुम्हारा थर्ड रेंज हो गया, 3 बोल दिए, ये तुम्हारा फोर्थ रेंज हो गया। ठीक है, और ये वाला तुम्हारा फिफ्थ रेंज हो गया, थोड़ा छोटा हो गया ना। चलो एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं इसको, ये इस वाले बंदे को थोड़ा नीचे ले आते हैं। ठीक है, 1000, ये हो जाएगा तुम्हारा 2000। अरे रे रे, बॉक्स नहीं लाना है भाई। ठीक है, इसको पकड़ते हैं, ये ओ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो तो कितना हुआ, इसको लाना पड़ेगा मुझे, मैं यहां से ले आता हूं इसको, अब यहां से ले आता हूं बेटा। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा इक्वली डिवाइडेड हो गया, बिल्कुल ये डिवाइडेड हो गई, ये डिवाइडेड हो गया। ठीक है, अब बॉक्स को सेट कर दो उसके जगह पे। ठीक है बेटा, 1000 1000 के नंबर हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ 1000 1000 का रेंज। ठीक है बेटा, ये हो गया तुम्हारा 1000, ये हो गया तुम्हारा 2000, ये तुम्हारा हो गया बेटा 3000, ये हो गया तुम्हारा 4000, ये हो गया तुम्हारा 5000, और ये हो गया बेटा तुम्हारा 6000 का रेंज हो गया है। क्योंकि मैक्सिमम जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 5800 था, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा ये इतने में। अब क्या करना है बेटा, सेंटर को पकड़ लेना है, दो वॉल्यूम नीचे दो वॉल्यूम ऊपर। ठीक है, ये जो 3000 का रेंज दिख रहा है इसी को हमको पकड़ना है बेटा। ठीक, तो देखते जाओ यहां पे हमको नोट करना है कौन क्या है। तो बेटा ये देखो, इस रेंज को मैं क्या कर रहा हूं, दो पार्शियल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं यहां पे। ये देखो, मतलब यदि 3000 वाले सेगमेंट को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो 500 500 का रेंज आ जाएगा ना बेटा। ये देखो,
इसी वॉल्यूम को हम कहते हैं बेटा टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, टीवी कहते हैं। और टीवी का रेंज क्या है मान लेते हैं 500 होता है, कितना होता है 500 का होता है, तो टीवी का वॉल्यूम जो है वो 500 हम यहां पे मान लेते हैं। ठीक है, अब चलो वैल्यूज अपन मानने के बाद में क्या करेंगे बेटा, रेंज रखते हैं। देखो आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं, ये देखो 500 के रेंज में जा रहे हैं, नॉर्मली सांस ले रहे हैं आप, ठीक। मगर यदि आपने एफर्ट डाला और आपने पूरे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को ये ऐसा कंसीव किया है और आप वापस आ गए बेटा, ये लो एक वॉल्यूम ये बना लेगा, फिर आपने नॉर्मल ब्रीदिंग की, देखो 500 के रेंज में आएगा मतलब आप लेके चलना नॉर्मल ब्रीदिंग हो गई, ठीक है। फिर ये बंदा नीचे गया और ये फिर से आ गया, ये नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, ये हो गई बात। अब यहां से हम लेके चलते हैं तुम्हारा मैक्सिमम रेंज को लेके चलेंगे और वापस ले आते हैं यहां पे, ठीक है। ये इतना का रेंज हम ले लेते हैं और इसको सेपरेट कर देते हैं अपने डेटा को। अब देखते जाओ मैं कैसे फुलफिल कर रहा हूं उसको, ठीक है, अब देखते जाओ मैं कैसे फुलफिल कर रहा हूं बेटा। मुझे बताओ जब हम फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। देख लो उसकी वैल्यू जो है वो 2500 से 3000 होता है, देखो 4000, 1000, 2000, 3000, मैक्सिमम 3000 का रेंज होता है, यहां ले लिया अपन ने, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम के जस्ट ऊपर 3000, ठीक है भाई, इसका जो है वो 2500 से 3000 होता है बेटा। ये लो वैल्यू आपके सामने में दिख रहा है, ठीक है, ये वैल्यू आपके सामने दिख रहा है। और नीचे देखो, ये देखो ये यहां से 2000 नियर बाई आया बेटा, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा, ये वाला रेंज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका रेंज कितना था बेटा 1000 से 1100 था, ठीक है, 1000 से 1100 था। तो यहां के कुछ पोर्शन को ले लो और यहां तक का टच कर दो तो तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है भाई। और जो बचा हुआ एयर जो आपके बॉडी में रहता है बेटा, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि एक्सचेंज नहीं होती है, और इसकी वैल्यूज तुमने कहा था बेटा कितना होता है, 11 से लेकर के 1200 तक का होता है। याद करो डेटा जो मैंने कल बताया था, याद करो डेटा जो मैंने कल बताया था, क्यों ना इसको मैं थोड़ा ना छोटा करके यहां एडजस्ट कर देता हूं, यहां एडजस्ट कर देता हूं ताकि मैं भी दिखते रहूं, मोटिवेट होते रहो तुम लोग, वैल्यूज याद करना है। अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, देखो टीवी प्लस आईआरवी, देखो मैं क्या कर रहा हूं, एरो से डिनोट कर दे रहा हूं टीवी प्लस आईआरवी को, देखो यहां से लेकर के यहां तक को दोनों को मिला दो, ठीक है, ये लो एक रेंज ये हो गया टीवी प्लस आईआरवी। अच्छा टीवी के साथ में ईआरवी भी होता है बेटा, तो टीवी के साथ में यहां पे हमने सेट कर दिया ईआरवी, ये यहां पे मार्क कर देते हैं, ये लो, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अच्छा ये बताओ जो तुम्हारा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम होता है या कैपेसिटी होती है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वो कौन होता है बेटा, आपका आईआरवी और ईआरवी होता है ना। तो ये लो यहां से जहां से बचा हुआ है उस वॉल्यूम से लेकर के नीचे तक के वॉल्यूम को यहां से ले लो पूरा ऊपर से नीचे तक, और ये सेकेंड वाला तुम्हारा क्या है बेटा, ये टीवी प्लस ईआरवी है, ठीक। सुनो ध्यान से, टीवी प्लस, ये देखो यहां पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये टीवी प्लस आईआरवी है, ये क्या है बेटा, ये तुम्हारा आरवी प्लस ईआरवी है, और ये क्या है, तो ये तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी है। अब बताओ इनके नाम क्या क्या है, तो मैं आपको नाम बता रहा हूं ध्यान से सुनना, टीवी प्लस आईआरवी मतलब होता है बेटा आईसी होता है, ठीक है, टीवी प्लस ईआरवी मतलब होता है बेटा ईसी होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है, और इसका नाम होता है फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी बोलते हैं। तीनों वैल्यूज आ गए, फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी, यदि मैं तीनों वॉल्यूम को एक साथ रख दूं तो ये देखो आईआरवी आया, आईआरवी आया, ईआरवी आया और टीवी आ गया, मगर ये नहीं है एफआरसी नहीं है इसमें, ठीक है। यदि मैं एरो को पूरा ऊपर से लेकर के नीचे कर दूं तो पूरा ऊपर से नीचे, तो इसको तो जान जाओगे तुम लोग, यही तो तुम्हारा टोटल लंग्स कैपेसिटी है बेटा 5800 ml होता है। और यदि ये तुम्हारे फंक्शनल रेसिडुअल को छोड़ दूं
तो ये तुम्हारा कहलाता है बेटा वाइटल कैपेसिटी, वीसी कहलाता है। ठीक है, ये देख लो, ये ग्राफ बनाने का तरीका कुछ इस तरह से बनता है, थोड़ा टिपिकल है, बट यदि आपको वॉल्यूम याद है तो याद कर पाओगे। अच्छा, एग्जाम में यदि टिपिकल करना होता है, कभी कभी सीएसईआर नेट लेवल पे एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि पीजीटी में इतना टिपिकल नहीं आएगा, सिर्फ फार्मूला पूछ देगा, मगर यहां लिख दिया बेटा कि बताओ, चलो ए लिखा हूं वो क्या है, तो ए को हम एरो देखेंगे ऊपर से नीचे। अब ये एरो में कौन कौन आ रहा है, तो आईआरवी आ रहा है और टीवी आ रहा है, तो आईआरवी टीवी को हम आईसी कहेंगे, सिंपल सी बात। यदि ऊपर से पूरा नीचे तक को हमने बोल दिया है बी, अब पूछा है कि क्या है बता, तो चारों की वैल्यू किसमें होती है बेटा, टीएलसी में होती है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में होता है, सॉरी टोटल लंग्स कैपेसिटी में होता है। ठीक है, पता नहीं ब्लड इतना पढ़ा पढ़ा के टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ही आ जा रहा है बार बार। तो ये बेटा आपके ग्राफ है वॉल्यूम्स और कैपेसिटी की। ठीक है, यदि कल की क्लास आपको क्लियर हुई होगी तो डैम श्योर ये चीजें बहुत आसान लगेगा, और यदि कल की चीजें टिपिकल हुई होगी तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। ठीक है, चलिए इसको साइज को छोटा ही रखता हूं, बार बार हमको इधर से उधर नाचना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए ये देखो भाई, ये हो गया बेटा हमारे वॉल्यूम्स। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है भाई, हम गैस का एक्सचेंज करना चाहते हैं बेटा। आपको पता है यार कि पहले ही क्लास में मैंने बताया था कि सबसे पहले एटमोस्फेयर से एयर को मैंने अपने लंग्स में लिया। अब आपके लंग से कहां जाएगा बेटा, लंग से जाता है तुम्हारे कहां, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेटेड कर देता है, फिर वो कहां जाता है, सेल में जाता है। सेल में क्या होगा, रेस्पिरेशन, क्या बनेगी, CO2। CO2 बनने के बाद वो फिर से ब्लड में आ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन के थ्रू वो कहां आएगा, तुम्हारे हार्ट में, और हार्ट से अल्टीमेटली पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू वो तुम्हारे लंग्स में आ गया, फिर एक्सचेंज हुआ। फिर एलवीआई में CO2 जाने के बाद एटमोस्फेयर में जा रहा है, मैंने काउंटिंग किया था 6 बार। ठीक है, 6 टाइम क्या हुआ था बेटा, डिफ्यूजन हुआ था। उस डिफ्यूजन को यहां पे हमने नाम चेंज करके लिख दिया है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की डेटा यदि मैं बताऊं बेटा, तो मुझे बताओ एक्सचेंज ऑफ गैस का प्राइमरी साइट कौन है, कहां पे एक्सचेंज होता है, प्राइमरी साइट। ठीक है, इसको हम बोल देंगे बेटा प्राथमिक साइट, या फिर स्थान बोल देते हैं जहां पे गैस का एक्सचेंज होता हो। तो मुझे लगता है बेटा गैस का एक्सचेंज जो होता है वो आपके एल्वियोलाई में होता है। कहां होता है, एल्वियोली में होता है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, वायु कोश कहते हैं या वायु कुपिका कहते हैं, आप जो बोल दो यार। ठीक है, वायु कोश या फिर बोल देंगे कुपिका, ये लो। याद रखना एक्सचेंज ऑफ गैस मतलब, फॉर एग्जाम्पल यहां से गैस एक्सचेंज हो रहा है यहां पे, ठीक है, तो ये साइट कौन सा है बेटा, ये तुम्हारा एल्वियोलाई है जहां पे एक्सचेंज होता है गैस का। ठीक है, ये तो मैंने डेटा आपको मेंशन कर दिया बेटा। एक्सचेंज जो होती है वो किस माध्यम में होती है भाई, तो याद रखना सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए। ठीक है, यहां पे एक्सचेंज होता है बेटा, गैस का एक्सचेंज किस माध्यम में होता है बोलेंगे, तो सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन को आप कह सकते हैं सामान्य विसरण कह सकते हैं, सामान्य क्या कह सकते हैं बेटा, विसरण कह सकते हैं, जिससे यहां पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब बताओ एक गैस है O2 ले लो, O2 एक गैस है बेटा, और ये यहां से यहां जा रहा है भाई, जाहिर सी बात है इनके पास इनका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और यहां पे कंसंट्रेशन कम होगा, मगर हमें कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है, हमें मतलब बेटा पार्शियल प्रेशर से। ठीक है, गैस का जो मूवमेंट होता है वो पार्शियल प्रेशर के थ्रू होता है, पार्शियल का मतलब होता है बेटा आंशिक। ठीक है, आंशिक दाब कह सकते हैं, गैसों का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर,
ये पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब यहाँ पे ज्यादा है, और जाहिर सी बात है यहाँ पे जो प्रेशर है बेटा वो कम है, ठीक है। आंशिक दाब का जो रेंज होता है वो कम होता है, और यहीं पे गैस का क्या हो रहा है बेटा, डिफ्यूजन हो रहा है। कैसा डिफ्यूजन हो रहा है, तो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया कि एल्वोलाई हमारा क्या होता है बेटा, पहला साइट ऑफ एक्सचेंज होती है, और यहाँ पे एक्सचेंज बहुत जगह पे हो सकती है, आपके सेल में हो सकती है, ब्लड में हो सकता है, टिश्यू में हो सकता है, 6 जगहों पे डिफ्यूजन होता है। पहले लेक्चर में देख लेना कहां कहां डिफ्यूजन होता है, ठीक है बेटा। हाई से लो कंसंट्रेशन में होना मतलब ये तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब जिधर ज्यादा है वहीं से जा रहा है, समझ में आ रही, कोई मेहनत नहीं लग रहा है बेटा। तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है बेटा कोई एनर्जी नहीं लग रही, पेसिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, पेसिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी की नीड नहीं, नो नीड ऑफ एनर्जी बेटा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी यहां नहीं होती है। तो हमने इसको कह दिया बेटा क्या, तुम्हारा पेसिव ट्रांसपोर्ट। यदि जाहिर सी बात है एनर्जी लगती तो हम बोलते एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी लगी नहीं रही है तो इसको तो हम कह देंगे बेटा पेसिव ट्रांसपोर्ट कह देंगे। तो डेटा क्या कहता है, प्राइमरी साइड एल्वोलाई है, किस माध्यम से होता है, सिंपल डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होती है, आंशिक दाब ज्यादा से आंशिक दाब कम में होती है, और यहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा, इसीलिए तुम्हारा जो सिस्टम होता है वो पेसिव होता है, ठीक है। अब यहां पे कुछ चीजें चाहोगे तो और हम और इलोबरेट कर सकते हैं, जैसे कि भाई ये गैसों का मूवमेंट कहां से कहां होता है, तो यहां पे एक डेटा नोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे वो O2 हो चाहे वो CO2 हो, का जो मूवमेंट होता है बेटा, ठीक है, हाई पार्शियल प्रेशर से, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में जाता है, ठीक है, में जाता है। सिंप्लीफाई कर दिया मैंने यार, इसी को तो तुम क्या बोल रहे हो, पेसिव बोल रहे हो यार, पेसिव है, ठीक है भाई, पार्शियली लो कंसंट्रेशन में मूव हो रही है, ओके ठीक है। अब मैं ये कहता हूं यहां पे ना बेटा एक डेटा सेट कर लेते हैं, ठीक है भाई, यहां पे हम एक क्या बना लेते हैं बेटा, डेटा बना लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर कितना लगता है, ठीक है, कितना कितना पार्शियल प्रेशर होता है, हम पढ़ चुके हैं इसको बेटा, याद आएगा तो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस अलग अलग जगह पे कहां कहां, सबसे पहले रेस्पिरेटरी गैसेस के नाम, तो गैसेस तो आपके पास दो है बेटा, एक आपका O2 है, दूसरा आपका क्या है, CO2 है, ये बात हो गई गैसेस की बात हो गई। एटमोस्फियर में कितना है, एटमोस्फियरिक एयर कहते हैं, पहला पॉइंट बना देते हैं। दूसरा कहां जाएगा, एल्वियोलाई में जाएगा, ठीक है, एल्वियोलाई से कहां जाएगा बेटा, डीऑक्सी में जाएगा, अशुद्ध ब्लड कह सकते हैं, अशुद्ध ब्लड, डीऑक्सी में जाने से क्या बन जाएगा, ऑक्सीजिनेटेड बन जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजिनेटेड से कहां जाएंगे बेटा, टिश्यू में जाएंगे यार, ठीक है, टिश्यू में जाएंगे या फिर सेल में जाएंगे। अब टिश्यू से अल्टीमेटली कहां चले जाएंगे, सेल में, एक मिनट, टिश्यू से कहां चले जाएंगे, सेल में, और सेल से जाएंगे बेटा एक्सपायर्ड, अच्छा थोड़ा सा इनको एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा पास पास ले आते हैं, ठीक है, इसको ऐसा पास ले आते हैं बेटा, इसको थोड़ा और पास ले आते हैं, टिश्यू, टिश्यू गड़बड़ हो गया, चलो टिश्यू को भी पास ले आते हैं, और यहां पे आपके सेल को भी पास में ले आते हैं। चलिए सभी चीजें जो है पास में आ गया है, अब हमको क्या करना है, यहां पे देखते हैं, तो सभी में अपन डेटा फिल करते हैं बेटा, कहां पे कितना था, चाहो तो आप टेबल बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यार एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन का देखो पार्शियल प्रेशर देखना है ना, यहां पे हम देख रहे हैं पार्शियल प्रेशर, और इसकी वॉल्यूम किसमें रहेगी बेटा, MMHg रहेगा, MMHg में रहेगा, ठीक है। तो चलिए MMHg में सेट करके देख लेते हैं क्या है।
तो बेटा O2 और CO2 के रेंज को देख लो यार, इसका होता है बेटा 159, एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, CO2 बहुत कम है बेटा 0.3 mmHg होता है, ये प्रेशर है बेटा, अमाउंट नहीं है ना, गड़बड़ मत कर देना, ये अमाउंट नहीं है, ठीक है भाई। चलो यार इसमें ना टेबल बना ही देता हूं, नहीं तो बाद में तुम लोग गड़बड़ कर दोगे, ठीक है, ये ऐसा टेबल बना देते हैं। अरे यार बड़ा गंभीर है, ठीक है, ये आपका टेबल है, ये आपका टेबल है, ठीक है। चले भाई अब बेटा एलोलाइन में आएगा तो कम हो जाएगा 104, ठीक है, यहां पे क्या होगा 104, और जब भी ऑक्सीजन को ज्यादा लिखना होगा तो यहां पे ना CO2 को कम लिखना बेटा 40। देखो CO2 बहुत आसान है, जहां पे खराब खून आता है वहां पे 45 लिखो, जहां पे अच्छा रहता है वहां पे 40 लिखो, देखो अशुद्ध बोल रहे हैं 45, ठीक है, ये डीऑक्सी है तो बाद वाला तो ऑक्सी होगा ना, ये वाला ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड की जो वैल्यू है यहां पे, अब भाई इसके पास जो CO2 है कम हो जाएगा, टिश्यू में ज्यादा है यार 45 मान लो, ठीक है, और सेल की बात करेंगे टिश्यू की बात करेंगे एक ही मतलब है, तो सेल टिश्यू लिख दिए हैं तो सेल हटा दो, इतना ही टेबल बना लो, ठीक है। अब देखो यदि टिश्यू में ये 45 है मतलब ज्यादा है, तो बेटा ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसको रेंज ले लो 40 का, ऑक्सी में कितना होता है तो ज्यादा होगा बेटा, तो यहां पे देखो चलो डी ऑक्सी में ये ज्यादा है मतलब यहां पे 40 है, ठीक है, और यहां पे आता है बेटा क्या 95 mmHg, ये पूरा डेटा याद कर लो, एग्जाम में आता है, ठीक है, नीट में तो एक एक चीजों को याद करना पड़ता है क्योंकि वहां पूछा जाता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो बेटा 95 और 40 होता है, ठीक है, 95 और 40 होता है। अब यहां पे पार्शियल प्रेशर की अब पूछते जाएगा तुमको कि पार्शियल प्रेशर इन एल्युलाई कितनी है, तो बेटा पी पार्शियल प्रेशर को डिनोट करेंगे, फॉर एग्जांपल एक लिखता हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर कितना है किसमें, एल्वियोलाई में, ठीक है, एल्वियोलाई में, तो मैं बोलूंगा किसका, तो आप बोलोगे दो लोग हैं, PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोल देंगे, कितनी है बेटा देखो पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का 104 है और तुम्हारे CO2 का कितना है बेटा 40 है, ये रेंज है, ऐसा ही आपको बताना है, मुझे लगता है मैं तो ये डेटा मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं बेटा, आपको पहले भी मैंने पूरी चीजों को क्लियरली आपको बता दिया है कि किस तरह से यहां पे हम रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। अब यहां पे चलो और दिखाता हूं तुमको कि वैल्यूज को या डेटा को कैसे सेट करेंगे आप, तो सबसे पहले बेटा एक बना लेते हैं कुंड, एल्वियोलाई बना लेते हैं यहां पे छोटा सा, ये बेटा एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई के नीचे हम बना लेते हैं तुम्हारा दिल, दिल कैसे बनाते हो तुम लोग, ये कुछ ऐसे बनाते हो एकदम खुश हो जाते हो, ये है तुम्हारा दिल, ठीक है, चार चैंबर का हार्ट होता है तुम्हारा दिल, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दो वेंट्रिकल्स को और ऐसा पूरा इसको कवर कर दो बेटा, ये तुम्हारा हार्ट हो गया। चलो सभी को लेबल कर दो कौन क्या है, ठीक है, तो ये तुम्हारा है बेटा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, ये तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। चलिए अब यहां से हमको क्या करना है बेटा, ब्लड आया यहां से, अच्छा इसको ना कुछ ऐसा बनाता हूं मैं ताकि थोड़ा सा लगे, ऐसा ना लगे कि उसके अंदर घुस गया बोल दोगे तुम, ये ऐसा बनाते हैं और ले आते हैं बेटा इसको लेफ्ट एट्रियम में, ये लो लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से कहां गया बेटा वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से कहां जाएगा तो ये जाता है, इसका कलर मैं क्या रखूं, यही रखता हूं रेड ही रखता हूं ना, ये वेंट्रिकल से ऐसे होकर के नीचे गया, ठीक है, ये वेंट्रिकल से मूव होकर के कहां चले गया नीचे, और नीचे में बॉक्स बना देते हैं ऐसा,
नीचे में ऐसा छोटा सा बॉक्स बना देते हैं और दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नीचे बोल देता हूं ये सेल है। क्या बेटा? ये मान लेते हैं सेल है यार, सिंपल सी बात हो गई। अच्छा ठीक है, फिर क्या होगा? सेल से ऊपर जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, कलर चेंज कर दो, ब्लू कलर का बना लेते हैं। ये देखो बेटा, सेल से ये जा रहा है कहां पे? यहां मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। फिर वहां से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ये ऊपर जाएगा, कुछ ऐसा मिला दो इसको, ये ऐसा मिला दो बेटा। ये बन गया तुम्हारा पूरा पाथवे। चलो लेबल करते हैं। सबसे पहले ये अंदर क्या बात हो रही है? एल्वियोली है बेटा ये, ठीक है। ये क्या है? एल्वियोलाई है। अब एल्वियोलाई से तुम्हारा ऑक्सीजन आता है, तो यहां पे लिख दो O2, और O2 का अमाउंट कितना होता है? कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर 159। और इसको हम कह देंगे बेटा ये कौन है? पल्मोनरी। ऊपर वाला कहलाता है पल्मोनरी, ठीक है। पल्मोनरी को मेरे ख्याल से फुफ्फुसी कहते हैं, फुफ्फुसी, ठीक है। पल्मोनरी यहां पे आ जाएगा बेटा वेन, और ये हो जाएगा तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी क्या कहलाएगा? आर्टरी कहलाएगा। आर्टरी का मतलब तो आपको पता है भाई, ठीक है, धमनी और सिरा की बात कर रहे हैं। तो वेन का मतलब क्या है बेटा? सिरा है, और ये तुम्हारा धमनी है। और पल्मोनरी वर्ड के लिए आप क्या लगा देंगे? फुफ्फुसी लगा देंगे बेटा। ऊपर वाला वेन है तो नीचे वाला आर्टरी है, ये सिर्फ धमनी है, ठीक है। ऊपर वाला यदि पल्मोनरी आर्टरी है तो ये जो इंप्योर ब्लड लेके जाता है वो वेन है, खराब ब्लड लेके जा रहा है, ठीक है। चलो तुम्हारे लंग्स में, अच्छा ये गड़बड़ हो रहा है क्या? लंग्स में 104 होगा ना? हाँ, कोई बता भी नहीं रहा है मेरे को। लंग्स में 104 होगा बेटा। एटमोस्फियर में लिखते हैं, चलो यहां पे लिखता हूं एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में O2 है 159, ये अंदर आया, ये हो गया बेटा 104। एल्वियोलाई के अंदर में 104, और यहां पे हो जाएगा प्योर ब्लड है तो 95 mmHg हो जाएगा। ये भी प्योर ब्लड है, यहां भी बोलना 95 mmHg हो जाएगा। यहां पे क्या हुआ? O2 यूज हुआ, ये बन गया बेटा CO2, और CO2 चलेगा वेन के थ्रू, तो यहां भी कितना है बोलेंगे तो 95 है। सेल के अंदर कितना है भाई? तो मैंने आपको डेटा बताया था बेटा, सेल के अंदर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और CO2 ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां यदि मैं बोलूं O2 क्या है, तो O2 40 है और CO2 क्या है बेटा? 45। अब ये कहां चलेगा? वेन में। तो वेन में इंप्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, और यदि ये डीऑक्सीजनेटेड है तो 45 mmHg क्या है यहां पे? CO2 है, और यहां जो भी बात करें वो सब O2 के लिए है बेटा। इधर O2 बह रहा है, इधर CO2 बह रहा है, ठीक है। अच्छा यहां पे 45 है, यहां पे भी 45 mmHg है, ठीक है। अब यहां से यहां चले जाएगा तो स्टिल पहले तो 40 था, ट्रांसफर होगा 45 और ये बाहर चले जाएगा बेटा, बाहर 0.3 है। ये पूरा सर्कुलेशन, और मैंने आपको लेबल भी कर दिया आर्टरी और वेन। ऊपर के दोनों नेटवर्क पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन कहलाते हैं। ऊपर के दोनों का नेटवर्क पल्मोनरी है, नीचे के जो है पल्मोनरी नहीं है। आर्टरी का काम है बेटा प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, और वेन का काम होता है इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है। जबकि पल्मोनरी वेन, वेन का काम क्या है? इम्प्योर। मगर पल्मोनरी वेन का काम है प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट, और पल्मोनरी आर्टरी का काम है बेटा इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना। और तुमको मैंने एमएमएचजी जो है वो डेटा पूरा दिखा दिया है, पूरा डेटा मैंने आपको बता दिया है। तो बहुत सिंपल तरीके से बड़ा सा एक पेज में डायग्राम बनाइएगा, ताकि एक एक डायग्राम, एक एक चीजें आपको यहाँ पे क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए बेटा। तो मुझे लगता है कि मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको पार्शियल प्रेशर दिखा दिया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरी डेटा मैंने नोट कर दी है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ तुम लोग, जब इनका डिफ्यूजन होता है तो मेन साइट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, ये हमारा मेन साइट ऑफ क्या बेटा? डिफ्यूजन है।
ठीक है, मेन साइट ऑफ डिफ्यूजन कौन है, एल्वियोलाई होता है बेटा। एक बड़ा सा एल्वियोलाई बनाते हैं, एक बड़ा सा, हम इतना बड़ा सा एल्वियोलाई बना लेते हैं, और टंकी जैसा दिखाना है मुझे तो इधर को इरेज कर देता हूं, ठीक है बेटा। और यहां पे थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं, ये रेंज को ऐसे ले जा लेते हैं और इसको ऐसे ले जा लेते हैं, ये बड़ा सा क्या बन गया बेटा, एल्वियोलाई बन गया है। अब इस एल्वियोलाई के अंदर में, अच्छा मैं कहां हूं, आरों के बीच में, चलो ऊपर में रख देता हूं मैं अपने आप को, ठीक है भाई। अब देखो यार, ये मान लेते हैं बेटा एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई से कहां जाना है इसको, आपके ब्लड वेसल्स में जाना है, ठीक है, कहां जाना है, ब्लड वेसल्स में जाना है, तो क्यों ना रेड कलर का ब्लड वेसल्स बना दें, ठीक है, रेड कलर का अपन क्या बना देते हैं, ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स यहां से ऐसा ऐसा बना देते हैं, ठीक है। अब यार ये देख लो, ये हमारा ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, और बीच में आपको दिख रहा होगा बेटा गैप, यहां पे तुम्हारा आरबीसीएस होता है, तो आरबीसीएस चाहो तो बना सकते हो, ये लो ये तुम्हारा आरबीसीएस बह रहा है बेटा, ठीक है भाई, ये तुम्हारा आरबीसीएस यहां पे बहते बहते गिर रहा है मान लो, ठीक है। चलो इसको पकड़ लेते हैं ऐसा, इसको रोटेट करते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर दो, इसको कॉपी कर दो, ये लो बेटा, ये कौन है, इसको मेंशन कर दो आरबीसीएस है, ठीक है आरबीसीएस है। और ये जो तुम्हारा, ये क्या है बेटा, तुम्हारा ब्लड वेसल्स है बेटा, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती है। अब दोनों के बीच में डिफ्यूजन होना है ना, दोनों के बीच में गैस का क्या होना है, डिफ्यूजन होना है, गैस यहां से इधर जा रहा है, ठीक है, यहां जा रहा है, कलर चेंज कर देते हैं बढ़िया, और मान लेते हैं भाई कुछ गैसें जो है, हम मतलब जो CO2 है वो इधर आ रही है, मान लेते हैं कि CO2 इधर आ रही है, दो एक्सचेंज हो गई, बढ़िया, क्यों ना इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, एक O2 के लिए एक CO2 के लिए, तो ये लो यहां से हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहां पे तुम्हारा O2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और यहां पे तुम्हारा CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ऊपर वाला तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड है, ये तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड है, और नीचे वाला क्या कहलाएगा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड कहलाएगा, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त आप हिंदी में चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा ये एंडोथीलियम जो है वो अंदर से, आपको पता होगा एल्वियोलाई या वायु कोश जो होता है बेटा, उसमें स्क्वैमस एपिथीलियम होता है, याद है, ये अंदर की तरफ देखो स्क्वैमस एपिथीलियम है, ये लो ये भी स्क्वैमस एपिथीलियम है, और तुम्हारे ब्लड वेसल्स में भी होता है बेटा, तो ये लो चलो सेल बना दिया, इसका नाम क्या है बेटा, तो ये तुम्हारा स्क्वैमस एपिथीलियम सेल है, ये कौन है, ये है बेटा स्क्वैमस एपिथीलियम सेल है, इसको आप बोल सकते हैं सल्की, ठीक है, उपकला उतक से बना हुआ क्या है, याद करो मैंने जब टिश्यू पढ़ाया था तो बताया था कि भैया तुम्हारा जो एल्वियोलाई होता है उसमें सेल्स होती है, हालांकि उसमें नाम भी बताया था बेटा न्यूमोसाइट, यही हमारा सेल की उपकला इसमें हो गया, और आपके ब्लड कैपिलरी में या आपके ब्लड वेसल्स में भी एंडोथीलियम होता है बेटा, ये देखो यहां पे भी सेल है भाई, एंडोथीलियम की इनर लाइनिंग बनाएगा ना भाई, याद करो ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग को कौन बनाता है, एंडोथीलियम बनाता है, और वो भी कौन है, वो भी तुम्हारा स्क्वैमस एपिथीलियम है, ये कौन है, स्क्वैमस एपिथीलियम है, तो एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज बोल दो इस सेल को, ये वाले सेल को हम नाम रख देते हैं, इस सेल को बोल देते हैं बेटा क्या बोल देंगे, एंडोथीलियम, ठीक है, एंडोथीलियम ऑफ क्या बोल देंगे, ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल्स, ये लो। अब बताओ गैस क्या इन दो टिश्यू के लेयर से क्रॉस हो रहा है, पहला तुम्हारे स्क्वैमस एपिथीलियम से जो कि एल्वियोलाई में है, दूसरा तुम्हारे एंडोथीलियम जो कि ब्लड वेसल्स में है, और तीसरा बेटा ये देखो बीच में है गैप, ये देखो जी ए पी, बोलो दो स्ट्रक्चर के बीच में आपको दिख रहा होगा गैप, और इसी गैप को हम कहते हैं बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं,
इस गैप को हम क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये लो, इसका भी नाम रख देता हूं, ये गैप की बात कर रहा हूं मैं, गड़बड़ मत करना, ये क्या है, तो ये है बेटा बेसमेंट, ठीक है। बेसमेंट क्या बोल देंगे, मेम्ब्रेन बोल देंगे, या फिर बोल दो इसको बेसमेंट सब्सटेंस कह दो, अधात्री बोल सकते हैं। तो दोनों के बीच में आधारी पदार्थ, आधारी क्या बेटा, पदार्थ है, मेम्ब्रेन नहीं कहोगे तो सब्सटेंस कह दो, ठीक है, ये प्रेजेंट होती है। तुम्हारा जो एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम के लिए आप बोल सकते हैं बेटा कि ये देख लो, आंतरिक भित्ति, ठीक है, आंतरिक भित्ति आपके ब्लड वेसल्स का, और यहां हो जाएगा बेटा तुम्हारा सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। तीन जगह से क्या हो रहा है, ये डिफ्यूज होता है, ठीक है, गैस का जो ट्रांसपोर्ट है वो इस तरह से होता है। अब मैं कहता हूं कि डिफ्यूजन कहां कहां होगा, गैस का डिफ्यूजन, ठीक है, गैस का डिफ्यूजन जो है वो तीन मेजर लेयर के बीच में होता है बेटा, थ्री मेजर लेयर के बीच होता है। क्या क्या है, तो तीन मेजर लेयर के नाम बता दो यार। सबसे पहला हमारा खुद का एल्वियोलाई है, तो थिन स्क्वैमस एपिथीलियम, सबसे पहला थिन स्क्वैमस एपिथीलियम, मैं ऊपर हूं क्या, नीचे ले आता हूं। चलिए, पहला पॉइंट हो जाएगा थिन स्क्वैमस एपिथीलियम ऑफ, क्या बोल देंगे, एल्वियोलाई हो जाएगा, ठीक है। यहां पे पतली बोल सकते हो, पतली होता है बेटा, चपटी होता है बेटा, स्क्वैमस मतलब तुम्हारा सल्की होता है बेटा, सल्की उपकला, किसका, तुम्हारे कुपिका का। दूसरा जो लेयर होगा बेटा वो होगा एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एंडोथीलियम ऑफ क्या बोल देंगे, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और दोनों के बीच में गैप भी तो है, तो क्या बोलेंगे, बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको बेटा, बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन नेम बोल दो, दो अलग अलग स्ट्रक्चर या संरचना के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, हिंदी में बताया था मैं इसको, आधारी, ठीक है, पदार्थ कह दो बेटा दोनों के बीच में, अच्छा आधारी पदार्थ कह दो या गैप भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। इन तीनों के बीच में क्या होता है बेटा, डिफ्यूजन होता है, ठीक है, इन तीनों के बीच में डिफ्यूजन होता है, बहुत ही मतलब यहाँ पे तीन चीजें डेटा, तीन डेटा याद कर लो आप, कि एक तो तुम्हारे लाई, दूसरा तुम्हारा ब्लड के वेसल्स या कैपिलरी, और तीसरा उन दोनों के बीच में गैप, ठीक है, इन तीनों के बीच में आपके गैस का ट्रांसपोर्ट होता है या एक्सचेंज होता है। अब बताओ यदि चादर मोटी है और गैस को यहां से यहां जाना है, ठीक है, तो क्या जल्दी से जा पाएगा क्या, नहीं, एक पतला सा जो हम जैसे कि स्कार्फ यूज करते हैं उसमें गैस जो एयर होती है वो आसानी से अंदर चली जाती है। तो बेटा ये जो मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो जितना ज्यादा होगा गैस का डिफ्यूजन उतना ही कम होगा, ठीक है, गैस का डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। तो क्यों ना यहां पे एक डेटा और सेट कर दूं कि भाई डिफ्यूजन ऑफ गैस, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैस, गैसेस अफेक्टेड बाई, अफेक्टेड बाई मतलब विसरण को परिवर्तित करने वाला या विसरण को अफेक्ट करने वाला, ठीक है, विसरण को क्या करने वाला, अफेक्ट करने वाले कारक, करने वाले क्या बोल देंगे, कारक कह देंगे बेटा। नंबर वन, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहां पे हमको डिटेल डिस्क्रिप्शन देना होगा, तो एक एक करके हम बेटा पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या फैक्टर हो सकता है। गैस की सॉल्युबिलिटी हो गई, आपके मेम्ब्रेन का थिकनेस हो गया, ठीक है, टेम्परेचर भी आप ले सकते हैं,
उनका सेचुरेशन भी ले सकते हैं आप, तो पूरी चीजों को यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला फैक्टर हम देख लेते हैं बेटा कौन सा है, तो पहला फैक्टर है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, थिकनेस ऑफ क्या बेटा मेम्ब्रेन की बात करेंगे, मतलब हम बात करें किसकी, मोटाई की। अच्छा सुनो, जितना ज्यादा मोटाई होगा, एरो कर रहा हूं, उस उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन, एक लाइन में क्लियर हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। थिकनेस के बढ़ने से डिफ्यूजन या गैस का एक्सचेंज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा होता है बेटा सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, भाई तुम्हारे गैस की विलेयता कितनी है, कितना जल्दी वो विलेय हो जाता है। यदि विलेयता ज्यादा है तो तुम्हारा रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होगा, ठीक है, जो तुम्हारा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा बेटा, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा मतलब सॉल्युबिलिटी के बढ़ने से रेट ऑफ डिफ्यूजन भी यहां पे बढ़ता है, ठीक है। तीसरा हो सकता है बेटा कंसंट्रेशन, तीसरा हो सकता है कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस, भाई जिस गैस का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा है, मात्रा ज्यादा है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। तो यहां पे फिर से मेंशन कर दो, लो इस कंडीशन में भी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा बेटा, बढ़ गई है। तो भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, बिल्कुल, मगर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ने से डिफ्यूजन कम होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस, इनके बढ़ने से क्या होता है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बेटा वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, ठीक है। नेचर ऑफ गैसेस भी होता है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी यहाँ पे आ सकते हैं, बट अभी फिलहाल पीजी लेवल पे या नीट लेवल पे बस इतना ही आपको कवर करना है, उससे ज्यादा आपको डीप लेवल पे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा फैक्टर अफेक्टिंग, और हमारा एक टॉपिक यहाँ पे आज कंप्लीट हुआ जिसका नाम था बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमको सेकेंड नंबर का स्टार्ट करना है जिसको बोलते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहते हैं, और आपको पता है कि हमारे पास कितनी गैसेस हैं जिसका ट्रांसपोर्ट हमको करना है। मुझे लगता है दो गैसेस, दो गैस है जिनका हमको क्या करना है बेटा, ट्रांसपोर्ट करना है। गैस नंबर वन, यहां पे हमने लिख दिया ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या बेटा, ओ टू, और सेकेंड डेटा में मैंने सेट कर दिया है यहां पे क्या, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या, CO2। चलिए किस माध्यम से O2 का ट्रांसपोर्ट होता है, तो लिख देना बेटा 1 एंड 2। किस माध्यम से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, 1 2 और ये हो जाएगा 3। थोड़ा सा और खिसका लेता हूं इसको, एक मिनट, ये नहीं खिसकेगा ना, एक मिनट जगह पे रख देते हैं उसको, एक मिनट ये जगह पे रख देते हैं इसको, ऐसा कर देते हैं, एक नहीं जा रहा है क्या, ठीक है भाई अपने जगह पे आ गया बेटा, अब ठीक है भाई। मैंने क्या कहा बेटा, O2 का ट्रांसपोर्ट किससे होता है, यदि आपसे एग्जाम में पूछे O2 का ट्रांसपोर्ट मेनली कौन करता है, तो सबसे मेजर जो ट्रांसपोर्ट करता है बेटा, बाई द आरबीसीएस, RBCS बोले या फिर बोल देगा बेटा ब्लड, मेजर जो ट्रांसपोर्ट होता है आपके, यस, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मेनली हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ है बेटा, तुम्हारे RBCS के अंदर में है। तो RBCS में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो सबसे ज्यादा होगा तुम्हारे ऑक्सीजन के लिए, बात समझ में आ रही है, ये सबसे ज्यादा होगा बेटा। अब कितनी कितनी वैल्यूज होती है, डेटा डायरेक्ट पूछता है, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जूलॉजी में भी ये क्वेश्चन आया था कि किसका ट्रांसपोर्ट कितना होता है, तो भाई ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्लड के थ्रू या तुम्हारे आरबीसीएस के थ्रू या तुम्हारे हीमोग्लोबिन के थ्रू, ना सब एक ही है, हीमोग्लोबिन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा वो मैक्सिमम होता है 97 डिग्री होता है, 97% होती है। तो बच गया कितना बेटा, 3% किसके थ्रू जाता है,
तो प्लाज्मा में जाता है। प्लाज्मा में कौन जाएगा? जो घुलनशील होगा, ठीक है, जो घुलनशील गैसें होती हैं वो प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में जाती है। तो आप चाहे लिखना है तो डिजॉल्व लिख दीजिए, डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट जो है वो 3% होता है बस। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट दो माध्यम से होते हैं, 97% आरबीसीएस के थ्रू और प्लाज्मा के थ्रू होता है बेटा 3%, ठीक है। अब यहां पे देखो, जैसे हम बात करते हैं CO2 का, तो CO2 के लिए बेटा तीन डेटा हमको सेट करना है। ये जो दो नंबर का डेटा लिखे वो सेम टू सेम यहां पे लिखते हैं ना, आरबीसीएस भी करता है मतलब HB के थ्रू हो रहा है, प्लाज्मा के थ्रू भी होता है, और बेटा एक और होता है बल्क ट्रांसपोर्ट भी होता है, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं बल्क, लिख रहा हूं अभी बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब यहां पे टोटल तीन डेटा हो गया। परसेंटेज सेट करो यार, आरबीसीएस के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है बेटा वो अब इसके कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएगा, मात्र 20 से 25% होता है, 20 से 25% ट्रांसपोर्ट जो है वो आरबीसीएस के थ्रू, और प्लाज्मा से तो 5 से 7% होती है, 5 to 7%। तो यार सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट 70% ट्रांसपोर्ट जो है वो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, किस फॉर्म में? तो याद रखना, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ क्या बोल देंगे, बाई कार्बोनेट, क्या बोल देंगे, बाई कार्बोनेट के फॉर्म में बल्क ट्रांसपोर्ट होता है आपके CO2 का। मगर जो मेन ट्रांसपोर्ट यदि ऑक्सीजन की बात करेंगे बेटा तो आरबीसीएस या हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। डेटा सेट कर लो, डेटा याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पेज में ज्यादा मेहनत नहीं है, बस एक बार याद कर लिए चीजें खत्म हो गई। मैं इसको हटा के भी बोल सकता हूं भाई, चलो हटाता हूं मैं इसको, मैं न्यू पेज ऐसा जनरेट कर देता हूं और मैं बोलता हूं भाई कि तुम्हारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट दो लोग करते हैं बेटा, पहला तुम्हारा हीमोग्लोबिन 97%, 3% तुम्हारा क्या है, प्लाज्मा है, और जो CO2 है उसके तीन डेटा है टोटल, 20 से 25% होता है आरबीसीएस के थ्रू, तुम्हारा 5 से 7% होता है बेटा प्लाज्मा के थ्रू, मगर बल्क ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, तो एक ही है बेटा तुम्हारा बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। बाद में देखेंगे अपन डिटेल में सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में इनका क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमको ना ट्रांसपोर्टेशन देखना है, किसका ट्रांसपोर्टेशन देखना है, O2 का ट्रांसपोर्ट देखना है, ठीक है। ये देखो आपके सामने में हेडिंग डला हुआ है बेटा, O2 का ट्रांसपोर्ट, ठीक है भाई। तो जाहिर सी बात है O2 का ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से हो रहा था, तो देखो तो 100% O2 का जो ट्रांसपोर्ट है उसमें से दो डेटा आपको सेट करना था, एक डेटा हो जाएगा 97% वाला, दूसरा डेटा हो जाएगा बेटा 3%, तो 97% और ये हो जाएगा आपका 3% हो जाएगा। ये होता है किसके थ्रू, आरबीसीएस या फिर हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, और 3% किसके थ्रू होता है, तो बोल देना प्लाज्मा, ठीक है। ये 3% जो है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब यार मुझे लगता है कि यदि आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है वो भी ऑक्सीजन का, तो यार बिना हीमोग्लोबिन को जाने आप इसको नहीं पढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है, बिना हीमोग्लोबिन को जाने आप बिल्कुल भी इसको नहीं पढ़ सकते। तो चलो सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। ये देखो तुम्हारे ऑक्सीजन का परिवहन कौन किया, देखो O2 का ट्रांसपोर्ट या फिर बोल देते हैं परिवहन कह देते हैं, ठीक है भाई, परिवहन कह देते हैं भाई, अच्छा ठीक है। O2 का परिवहन कौन करता है, तो O2 का परिवहन मैक्सिमली किसके थ्रू होता है बेटा, आरबीसीएस के फॉर्म में होती है, और आरबीसीएस के पास क्या है, ध्यान देना, आरबीसीएस के पास है बेटा तुम्हारा हीमोग्लोबिन है, कौन है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन कौन है बेटा, यदि हम बात करें हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन एक तरह का क्या है, पिगमेंट है बेटा, कलरफुल पिगमेंट बोल सकते हैं, कलरफुल में पूरा कलर नहीं होगा, कलरफुल क्या है, पिगमेंट है,
आपके ब्लड के पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन है, ये हमने यहां पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये हीमोग्लोबिन एक तरह से काम करता है एलोस्टेरिक एंजाइम की तरह, एलोस्टेरिक एंजाइम की तरह कार्य करता है, की तरह क्या करता है बेटा, कार्य करता है। ये पॉइंट देखते जाओ ना, ये एलोस्टेरिक एंजाइम की तरह काम कर रहा है, कलरफुल पिगमेंट होती है, हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ चीजें हम नोट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यदि मैं हीमोग्लोबिन को एक अलग से हेडिंग बना दूं, यहां पे हेडिंग डाल देता हूं, यहां पे बोल देता हूं भैया ये हमारा बड़का भैया है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो बेटा हीमोग्लोबिन एक तरह का एलोस्टेरिक एंजाइम है। कौन है ये? एलोस्टेरिक एंजाइम की कैटेगरी में आता है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, कौन? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को दो पार्ट में डिवाइड कर देना बेटा, एक तरफ नोट करना प्रोटीन पार्ट, एक तो प्रोटीन से बना हुआ है, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट याद करो, मैंने आपको प्रोटीन पढ़ाया था, तो कंपाउंड जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बना होता है। तो बेटा प्रोटीन पार्ट में याद रखना, इधर वाला जो चीज है वो मिड ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चैन, ठीक है, चार पॉलीपेप्टाइड चैन से मिलकर बनते हैं, चार पॉली पेप्टाइड चैन से, ठीक है, मिलकर बना होता है तुम्हारा प्रोटीन पार्ट्स। और प्रोटीन पार्ट्स में भी चार पॉलीपेप्टाइड चैन में दो अलग अलग चैन होती है बेटा, दो अल्फा चैन होता है, क्या होता है? दो अल्फा चैन होता है, और दो जो है वो बीटा चैन होता है। ठीक है, यहां पे तुम्हारा अल्फा चैन है और यहां पे तुम्हारा क्या है, बीटा चैन है। दो अल्फा दो बीटा चैन से मिलके बनते हैं, एक अल्फा चैन, ये देख लो, एक अल्फा चैन में 141 अमीनो एसिड होते हैं बेटा, अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें इसकी, इधर वाले की बात करें, तो इसके पास होता है बेटा तुम्हारा, यस इसको कॉपी कर दूं, सेम पॉइंट हो गया। अच्छा, अल्फा के जगह हमको ना बीटा लिखना पड़ेगा, एक बीटा चैन में तुम्हारा 146 नंबर ऑफ अमीनो एसिड होता है। तो यहां यदि टोटल कर दोगे तो देखो 141 प्लस 141 146 प्लस 14 क्या बोल देंगे, 6 बोल देंगे, टोटल कर लो, नंबर ऑफ अमीनो एसिड निकल जाएगा, कितने अमीनो एसिड से बना है ये तुमको समझ में आ जाएगा। नॉन प्रोटीन पार्ट्स में बेटा पोरफायरिन रिंग होता है, पोरफायरिन रिंग होता है बेटा, पोरफायरिन साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आपने देखा है बेटा पोरफायरिन रिंग को, एक मैं बॉक्स बना रहा हूं, ये पोरफायरिन रिंग है, ठीक है, इसमें चार तुम्हारा ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दो और इसको कॉपी कर दो, ठीक है, ये दो हो गए, ये तुम्हारे तीन हो गए, ये तुम्हारे चार हो गए। सबसे काम की चीज है लाल कलर का आयरन, जो सेंट्रल आयरन होता है, Fe2+ Fe3+ के फॉर्म में होती है, और ये बेटा कोवेलेंटली एंड कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के थ्रू ऐसा जुड़ा रहता है। ठीक है, ये पूरा रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, तुम्हारा पोरफायरिन रिंग कहते हैं। पोरफायरिन रिंग के साथ में सेंट्रल आयन, केंद्रित आयन बोल सकते हैं, केंद्रित जो आयन है बेटा वो Fe2+/Fe3+ ये दो फॉर्म में यहां पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये दो फॉर्म में यहां पे क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। ये तुम्हारा पूरा ब्योरा हो गया, किसके? हीमोग्लोबिन के दो अल्फा दो बीटा चैन, ये सब भी चीजें मैंने आपको बता दी है, याद करते जाना। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी आप निकाल सकते हैं बेटा, टोटल कैलकुलेशन करो ना, 141 141 146 146, तो तुम्हारा आ जाएगा 574 टोटल नंबर आ जाएगी, चाहो तो नोट कर लो, टोटल कर दो, टोटल हो जाएगा 574 अमाइनो एसिड।
से मिलके ये क्या हुआ है बेटा, बना हुआ है। ठीक है, दो अल्फा दो बीटा है। अब यहां पे देखो अल्फा तो कॉमन है बेटा, अल्फा तो नॉर्मली हो गए, मगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन भी तीन तरह के होते हैं। ठीक है, तो एचबी के प्रकार की बात करता हूं मैं। एचबी के टोटल प्रकार होते हैं बेटा, तीन होते हैं। ठीक है, तो नंबर वन, ये तुम्हारा नंबर टू और ये तुम्हारा नंबर थ्री हो गया। तीन तरह के हीमोग्लोबिन होते हैं, नाम रख दो एचबी ए वन, एचबी ए टू, एचबी ए वन, एचबी ए टू। और ये जो है बेटा वो एचबी का ए वन ए टू तो ठीक है हमारे एडल्ट में प्रेजेंट होती है, और जो बच्चे में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एचबीएफ। एफ का मतलब होता है बेटा फीटस, एफ का मतलब क्या होता है फीटस, और फीटस मतलब बोल सकते हैं नवजात शिशु की बात कर रहे हैं अपन। तो इधर रख लेता हूं मैं अपने आप को, चलिए हम नवजात शिशु की बात कर रहे हैं। ठीक है, नवजात शिशु में ये प्रेजेंट होता है एचबीएफ प्रेजेंट होता है बेटा, हीमोग्लोबिन फीटस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये दोनों एडल्ट में होते हैं, ये भी एडल्ट में है, ये भी एडल्ट में होता है, मगर ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है। ठीक है, ये भी एडल्ट में होता है मगर लीस्ट कॉमन बोल देना इसको, लीस्ट कॉमन कह देंगे, कम मात्रा में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ऐसा हिंदी में लिख देना। ये ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, ये कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बनता किससे है बेटा, तो याद रखना दो अल्फा सब में कॉमन है, यहां भी क्या है तो दो अल्फा है, यहां भी क्या है तो दो अल्फा है बेटा। अल्फा फैमिली के चैन तीनों में सेम है, मगर यहां पे बीटा फैमिली का गड़बड़ है, दो अल्फा प्लस दो बीटा चैन से मिलके बना हुआ है हमारा एच बी ए वन, जो कि मेरे बॉडी के अंदर में सबसे ज्यादा है। ठीक है, दो अल्फा और दो बीटा। गामा मतलब गुड बेटा, गुड सबसे बेस्ट इन बच्चों के पास होता है, दो गामा कह देंगे। ठीक है, दो गामा चैन से मिलके बना हुआ है तो वो होता है बेटा फीटस में, और डेल्टा चैन से मिलके बना है ऐसा। ठीक है, दो डेल्टा चैन से मिलके बना है तो वो लीस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन कहलाता है। अब देखो यहां पे क्या है बेटा, गामा है, गामा मतलब थोड़ा सा ना ट्रिक बना लो, गुड सबसे बेस्ट, देखो क्या बोल रहा हूं, सबसे बेस्ट एच बी फीटस का होता है। यदि एग्जाम में पूछेगा भी कि सबसे बेहतर स्ट्रॉन्ग हाई बाइंडिंग एफिनिटी, ठीक है, इनकी हाईएस्ट बाइंडिंग एफिनिटी होती है बेटा, हाईएस्ट बाइंडिंग एफिनिटी होती है, मतलब कि बंधुता इसमें ज्यादा होता है बेटा। ठीक है, इसका जो बंधुता होता है, अट्रैक्शन जो होती है सबसे ज्यादा होती है फीटस का, मगर हमारे जो एचबी होते हैं बेटा इसमें बीटा चैन होता है, और बीटा चैन जल्दी से जल्दी सैचुरेट हो जाता है, इसीलिए हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसको लोकल बोल दो तो बोल चल जाएगा, लोकल भी बोल दो के चल जाएगा, क्योंकि ये तो हो गया बेटा एचबी की बात। ठीक है, सिंपली मैंने यहां पे एचबी की बात आपको डिटेल में बता दी है। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं, तीनों में से मोस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन कौन, अच्छा देखो ऊपर के दोनों बेटा तुम्हारे एडल्ट में प्रेजेंट होंगी, और जो तुम्हारा वो एच बी एफ है वो कहां प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है बेटा फीटस में, और फीटस का एच बी सबसे बेस्ट एच बी होता है, ऐसा करके आप वहां पे नोट कर लो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा तीन प्रकार के एच बी की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट की, कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्ट को लिख लेंगे, यहां कितना टाइम हो गया, 59 मिनट हो चुके हैं। तो ऐसा करते हैं एचबी के प्रकार के बाद जो ओटू का ट्रांसपोर्ट है उसको रोक देते हैं, उसको अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओटू का ट्रांसपोर्ट अभी बाकी है। ठीक है, ओटू के ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे चोचले चलेंगे, बोहर इफेक्ट क्या है, हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है, जो कर्व होती है वो सिग्मॉइडल बनता है, किधर खिसकता है किधर नहीं खिसकता, ये सभी चीजें के बारे में ब्यौरा है, तो उन सभी चीजों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए
सो थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा और सपोर्ट किया है, ठीक है, चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। जहां भी डाउट आता है वहां पे मैसेज कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके मैसेज का रिप्लाई करें और जो भी डाउट्स आपके मन में होगा उसको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यही एनर्जी के साथ, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।